हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आईआईटी जेएम 2005 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, एमएससी मैथमेटिक्स चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस किसी भी यूनिवर्सिटी के आप मैथमेटिक्स इंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो एमएससी के लिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिए, आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए बी एफ 3x3 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यू 1, -1 एंड 3, देन इनमें से कौन सा ट्रू हुआ। ए स्क्वायर प्लस ए इज नॉन सिंगुलर, ए स्क्वायर माइनस ए इज नॉन सिंगुलर, ए स्क्वायर प्लस 3a इज नॉन सिंगुलर, ए स्क्वायर माइनस 3a इज नॉन सिंगुलर। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सिंपल सा मेथड है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। इसके लिए हम सिंपली आइगन वैल्यू पहले देखेंगे। आइगन वैल्यू ऑफ ए जो है वो है हमारे पास 1, -1 एंड 3। तो इंप्लाइज करता है आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यू जो होंगे वो जाएंगी 1, 1 एंड 9, यानी कि जो इनकी आइगन वैल्यू थी उनका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ए स्क्वायर प्लस ए नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होता है फ्रेंड्स? नॉन सिंगुलर वो होता है जिसमें कोई भी आइगन वैल्यू जीरो ना हो। यानी सिंगुलर की डेफिनेशन देखे तो सिंगुलर ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनकी आइगन वैल्यू जीरो हो, एक आइगन वैल्यू कम से कम जीरो हो, उनको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए की अगर इसकी हम आइगन वैल्यू देखना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस ए चेक कर रहे हैं हम यहां से, ए स्क्वायर प्लस ए की अगर आइगन वैल्यू देखना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस ए यानी 1, 2 एंड 0, यानी यहाँ पे एक इसकी एक आइगन वैल्यू जीरो मिल जाएगी, जीरो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट, तो ये हमारे पास नहीं होगा। अब अगर हम ए स्क्वायर माइनस ए देखें, ये हमारे पास ए के लिए चेक कर लिया, ए स्क्वायर माइनस ए, अब इसके लिए चेक करें तो ए स्क्वायर माइनस ए के लिए चेक करें तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू ये है और इसमें से एक ये घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आइगन वैल्यू है यहाँ से एक आइगन वैल्यू जीरो मिल जाएगी, तो यहाँ जीरो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट, यानी ये सिंगुलर है। अगर इसको देखें ए स्क्वायर प्लस 3a, तो ए स्क्वायर ये रहे हमारे पास, इनमें 3 का मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो 3 प्लस 3a यानी 4, 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा यहाँ से -2 एंड 3, 9 प्लस 9, यहाँ से 9 है तो ये हो जाएगा 18, यानी कि इसकी जो आइगन वैल्यू है, यानी आइगन वैल्यू ऑफ किसके अगर देखें हम ए स्क्वायर प्लस 3a की आइगन वैल्यू, तो वो आती है हमारे पास यहाँ से 4 और यहां से अगर देखें तो -2 एंड 18, यानी कोई भी आइगन वैल्यू जो है वो जीरो नहीं है, यानी सारे आइगन वैल्यू जीरो, कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है, सब आइगन वैल्यू जीरो के अलावा है, जीरो के अलावा तो हम यहां से कहेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 3a जो है वो नॉन सिंगुलर है। तो इस क्वेश्चन इस ऑप्शन को हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, डी ऑप्शन को चेक करने की। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहां से हमने डायरेक्टली बता दिया ए स्क्वायर प्लस 3a जो है ये नॉन सिंगुलर है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।